फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेघाज कुकिंग स्टूडियो। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मोंज अचार। मोंज इज गांठ गोभी। मोंज अचार इज वन ऑफ द मोस्ट रिलिश्ड अचार्स इन द कश्मीरी कम्युनिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोंज अचार बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमने यहाँ पे ले लिए हैं, जैसे गांठ गोभी, जिसके मैंने बड़े पत्ते रिमूव कर दिए हैं, सिर्फ छोटे पत्ते रहने दिए हैं। इसी के साथ चाहिए हमें कुछ मसाले, जैसे सॉल्ट पाउडर, भुना पिसा धनिया, सौंफ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले हम गांठ गोभी को लेके उसे ऊपर का हिस्सा ऐसे काट के सेपरेट कर लेंगे और नीचे से भी इसे हम काट लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ ये मोंज काट के रख ली है और साथ ही मैंने छोटे पत्ते वाला हाक और कुछ हरी मिर्ची भी धो के रख ली है। अब मैं इन सब को एक पूरा दिन धूप दूंगी और फिर इसका अचार डालूंगी। यहाँ पे है हमारे पास सूखी हुई गांठ गोभी। अब हम इस गांठ गोभी में ये सारे मसाले मिक्स करेंगे और तेल मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लगभग 3 से 3.5 टीस्पून नमक, 2.5 टीस्पून राई, लगभग 2.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून दरदरा पिसा हुआ धनिया, 3/4 टीस्पून सॉल्ट पाउडर, 2 टीस्पून सौंफ पाउडर। इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हम इतना डालेंगे जिसमें ये सारा मसाला मिक्स हो सके। इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे ताकि सभी जो पीसेस हैं उनमें ये मसाला अच्छी तरह से लग जाए। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि एक तो बर्तन जिसमें आप ये मिक्स कर रहे हैं वो एकदम ड्राई होना चाहिए और आपके हाथ भी एकदम ड्राई होने चाहिए ताकि मॉइस्चर जाने का कोई सवाल ना रहे। इन सब पीसेस में ये तेल और मसाला अच्छे से लग चुका है और अब हम इसे एक एयरटाइट ग्लास कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा और ये ऑयल डाल दूंगी। तो मैंने टोटल इस अचार में लगभग 1 कप ऑयल डाला है। अब हम इस जार को क्लीन करके इस पे एयरटाइट ढक्कन बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसे सील बंद करने के लिए इस पे कपड़ा भी बांध सकते हैं। मैंने यहाँ इसे पॉलिथीन से सील कर दिया है और उसके ऊपर मैंने रबर बैंड से बंद कर लिया है। अब मैं इसे 3 से 4 दिन अच्छे से धूप दूंगी और फिर ये एकदम रेडी हो जाएगा। धूप देने के बाद ये मोंज अचार एकदम रेडी है। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सो फ्रेंड्स, आप ये मोंज अचार बनाइए, खाइए और भरपूर एंजॉय कीजिए। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसे थोड़े देर तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करें, क्योंकि इसमें जो राई डली होती है उससे ये दिन ब दिन खट्टा होता जाता है। आपके प्यार, आपके रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I'll try my level best कि मैं सब requests पूरी कर सकूं। Keep watching Megha's Cooking Studio. Till the next time we meet, bye bye.